दोस्तों, मैं यहाँ पे ये वीडियो लेके आया हूँ जो पिछला वीडियो मैंने छोड़ के गया था। मतलब क्या, जैसे कि हम यहाँ पे टाइफाइड के बारे में जो बात कर रहे थे, मतलब क्या सेल्मोनेला टाइफी के बारे में जो बात कर रहे थे, मैं उसी पे मैं पूरा मैं यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक को छोड़ दिया था और मैं दोबारा मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तब यहाँ पे मैं यही चीज़ बात करने के लिए आया हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हूँ क्या कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब जैसे कि यदि किसी को सेल्मोनेला टाइफिस यदि प्रभावित हो गया है, मतलब टाइफाइड हो गया है, तो वो कैसे उस चीज़ को पता करे, आखिर उसको पता कैसे चलेगा कि आखिर उसको टाइफाइड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन हुआ है भी है तो वो थोड़ा सा मतलब क्या करता है, केयरलेस कर देता है कि नहीं मुझे नहीं हुआ है। लेकिन उस चीज़ को कब पता चलता है, जब आप उस पर मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, मतलब क्या आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तभी जाके आपको उस चीज़ का पता चलता है। तो मैं इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर जानकारी लेके आया हूँ कि आखिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो मतलब कि कैसे हम उस चीज़ को पता करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात कि आपका यहाँ पे क्या लिखे हुए कि अभी आपका माइल्ड डिजीज। माइल्ड डिजीज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हल्की हल्की आपको बुखार जैसा आएगा, मतलब कि प्रारंभ मतलब कि जैसे कि आपको थोड़ा सा फीवर आएगा, तो उस टाइम आपको किस प्रकार से फीलिंग होगा, ठीक है। यदि आपको टाइफाइड का यदि पहला लक्षण है तो उसमें आपको किस प्रकार से आपको फीलिंग आएगा, तो सबसे पहला यह देखिए आपको फीवर थोड़ा हल्का फुल्का आएगा, ठीक है। दूसरा बात क्या कि जनरल इलनेस इल फीलिंग, मतलब आपको थोड़ा सा क्या होगा, मतलब बुखार जैसा लगेगा या तो पूरा कमजोरी जैसा लगेगा। एब्डोमिनल पेन, मतलब क्या होता है कि पेट में दर्द होगा, हल्का हल्का क्या होगा, पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होगा। तो ये क्या है कि माइल्ड डिजीज, मतलब प्रारंभ की अवस्था में। अब बात करते हैं कि सीवियर डिजीज में क्या होता है कि आपको हाई फीवर होगा। हाई फीवर मतलब बोले तो ओवर 103, मतलब ऐसे 98.6 फीवर होना चाहिए, मतलब बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन उससे हल्का से ज़्यादा होगा, मतलब 103 हो जाएगा, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि सीवियर डिजीज बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें दूसरा क्या होगा, रेस रोज स्पॉट ऑन बेली, मतलब बेली ऑन चेस्ट, मतलब क्या होगा छाती में और आपका जाके बॉडी में क्या होता है कि लाल कलर का दाना जैसा निकलने के लिए निकल जाता है, ठीक है। उस समय हम लोग क्या समझें कि ये सीवियर डिजीज का ये मतलब ये हो गया। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो हमारा जो सेल्मोनेला टाइफी का जो प्रभावित जो होता है वो मतलब कितने स्टेज में होता है, तो दो स्टेज में होता है। भले इसका वीक चलता है लेकिन स्टेज दो ही होता है। क्या क्या स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज में देखिए आपको क्या होगा कि टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा टेम्परेचर आपका फर्स्ट फेज में क्या होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक, उतना भी ज़्यादा नहीं है। दूसरा बात क्या है कि स्वीटिंग, मतलब क्या पसीना आपको ज़्यादातर आएगा। फिर लॉस ऑफ द एप्टेट हो यहाँ पे हो जाएगा। कफिंग, मतलब क्या खांसी आपका हो जाएगा। लिस्टनेस, मतलब एनर्जी आपको सुस्तपन जैसा लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपको क्या होगा कि डायरिया, मतलब कि आपको दस्त जैसा दस्त हो जाएगा। हेडेक हो जाएगा, यहाँ पे हेडेक हो जाएगा। फिर आपको जाके कंस्टिपेशन ऑफ द स्किन सेप्टम्स, मतलब आपका स्किन पे भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएंगे। चिल्ड्रन यदि बच्चे का यदि हुआ है तो उसमें क्या होगा वॉमिटिंग होगा और मतलब कि बाथरूम ज़्यादा जाइएगा, डायरिया मतलब कि यहाँ पे दस्त जैसा प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे सेकंड बात करते हैं, देखिए हम इसको क्या बोले कि दो ही फेज होता है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। लेकिन सेकंड फेज में क्या बोले यहाँ पे कि सेकंड टू थर्ड वीक, मतलब दूसरा से तीसरा सप्ताह में क्या होता है कि फीवर वेरी हाई, मतलब बुखार जो होगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पल्स बिकम द वीक एंड द रैपिड, मतलब आपका जैसे कि पल्स रेट जो है वो आपका क्या होगा एकदम आपका वीकनेस, मतलब पूरा धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, पूरा एकदम धीरे चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब थर्ड वीक की बात करते हैं, मतलब सेकेंड फेज का थर्ड वीक में क्या होगा, सर्वर पी सूप लाइक द डायरिया, मतलब आपको मटर जैसे कि आप आपका जो लेटरिंग वगैरह जब कीजिएगा तो उसमें क्या होगा आपका मटर के दाना जैसे आपको छोटा छोटा मतलब कि हरा हरा कलर का आपका निकलेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा फिर आपका फीसेस कंटेन द ब्लड, मतलब कि आपको इसमें थोड़ा सा क्या होगा ब्लड में भी आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत परेशानी समस्या हो सकती है। फोर्थ फेज में जनरल कंडीशन इम्प्रूव, मतलब कि ऐसा कुछ बात नहीं, ये जब फेज आपका ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा बात नहीं कि आपका टाइफाइड हुआ है, सेल्मोनेला टाइफी हुआ है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंडीशन ख़राब कर देगा, वैसा कुछ बात नहीं। फोर्थ फेज जाते जाते वो अब नॉर्मल हो जाता है, मतलब सही हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यदि आपको यदि हो गया है टाइफाइड हो गया है, सेल्मोनेला टाइफी अब यदि आपको प्रभावित भी हो गया है, तो आपको किस प्रकार से मतलब कि आपको अच्छा हो जाएगा, तो आपको डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि आपको मतलब जो चेक करवाते हैं, मतलब ब्लड में जो आपको चेकअप जो होता है वो कौन कौन सा चेकअप होता है, CBC होता है। मतलब CBC में क्या होता है कि हाई नंबर ऑफ द WBC, मतलब वाइट ब्लड सेल का काउंट यहाँ पे किया जाता है। सेकेंड यहाँ पे है कि आपका ब्लड कल्चर क्या आता है, स्टूल कल्चर क्या आता है, फिर प्लेटलेट काउंट है कि ज़्यादा है, इस टाइप से यहाँ पे किया जाता है। तो ये छोटा सा वीडियो था यहाँ पे मतलब टाइफाइड को लेके।
तो ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो हमारा यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर करना मत भूलिएगा। यदि हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो वो भी जाके देखिएगा, तभी जाकर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम पूरा हॉल वीडियो मिलाकर, मतलब पूरे सभी वीडियो को मिलाकर, छोटे छोटे वीडियो जो मैंने बनाया है सभी वीडियो को एक कंप्लीट वीडियो बनाकर आपके सामने यहाँ पे दे देंगे। यदि आप छोटे छोटे वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।